Hello friends, welcome back. In our previous class, we have mainly discussed about the fundamental and structural unit of our life, cell. Cell kya hai, how it is discovered, wo sab humne last lecture mein dekha. Aaj ke lecture mein, in today's class, we mainly focus about types of cell. Mainly, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो सेल्स होते हैं वो दो तरीके के हो सकते हैं, एक प्रोकैरियोटिक, दूसरा यूकैरियोटिक. अब प्रो इज इक्वल टू प्रिमिटिव और कैरियोट मतलब न्यूक्लियस. तो ऐसे सेल जिसके पास प्रिमिटिव न्यूक्लियस होगा वो प्रोकैरियोटिक सेल. और सेकेंड टाइप यूकैरियोटिक. यू का मतलब होता है वेल डेवलप एंड कैरियोट का मतलब होता है अगेन न्यूक्लियस. तो ऐसे सेल जिसके पास वेल डेवलप न्यूक्लियस होगा उसे हम बोलेंगे यूकैरियोटिक सेल. अगर प्रॉपर डेफिनेशन देखें तो सेल विच लैक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स आर कॉल्ड प्रोकैरियोटिक सेल. ऐसे सेल जिसके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है और ना ही मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल है उसे प्रोकैरियोटिक सेल बोलते हैं. वेयर एज ऐसे सेल जिसके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है, क्यों? क्योंकि उसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है. न्यूक्लियस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में बाउंड होगा. एंड सेकेंडली उनके पास वेल डेवलप मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल भी होंगे. ऐसे सेल को हम बोलेंगे यूकैरियोटिक सेल. लेट अस टेक अ लुक अबाउट प्रोकैरियोटिक सेल. हियर वी फर्स्ट सो द न्यूक्लियोइड. न्यूक्लियोइड इज अ जीनेटिक्स मटीरियल, दैट इज डीएनए मटीरियल ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल. प्लाज्मिड इज ऑल्सो द डीएनए मटीरियल ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल. राइबोसोम्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल. फ्लैजेलम इज अ स्ट्रक्चर विच हेल्प द सेल टू प्रपोगेट फॉर अ लोकोमोशन. एंड कैप्स्यूल इज आउटर स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल, मोस्टली फाउंड इन बैक्टीरियाज एंड वायरसेस. नाउ लेट अस टॉक अबाउट prokaryotic cell. In this figure we can see that ये जो cell है, cell के पास हमें सबसे बाहर के layer में capsule दिख रहा है, फिर cell wall दिख रही है, फिर सबसे पहले focus करेंगे about DNA. तो prokaryotic cell का जो DNA है, हमें यहाँ DNA के आसपास कोई भी nuclear membrane नहीं दिख रहा है. मतलब DNA जो है वो poorly developed है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है. मतलब प्रोकैरियोटिक सेल के पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है. अब अगर दूसरी चीज़ों पे हम फोकस करेंगे तो हमें फ्लैजेला दिख रहा है बाहर, कुछ पिलाई दिख रहे हैं जो सेल को मूवमेंट करने में हेल्प करेंगे. इसके अलावा ब्लू कलर का साइटोप्लाज्म दिख रहा है और कुछ राइबोसोम्स दिख रहे हैं. तो सेल के पास ना ही वेल डेवलप न्यूक्लियस है ना ही सेल ऑर्गेनल है, तो उसे प्रोकैरियोटिक सेल हम बोल सकते हैं. सो द बेसिक फीचर्स ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल आर सेल लैक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल आर कॉल्ड प्रोकैरियोटिक सेल. सेकंड, दे हैव प्रिमिटिव ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल. जेनेटिक मटेरियल डीएनए इज नेकेड लाई इन साइटोप्लाज्म. This cell also lack cell organelle like mitochondria, lysosomes, endoplasmic reticulum, chloroplast, nucleus. Many of the functions of this part performed by poorly organized part of cytoplasm. अब हमें पता है कि अगर photosynthesis करना है तो photosynthesis perform करने के लिए यूकैरियोटिक सेल के पास क्लोरोप्लास्ट होते हैं. तो प्रोकैरियोटिक सेल के पास तो क्लोरोप्लास्ट है नहीं, तो वो कैसे फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करेंगे? तो कुछ ऐसे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है वो भी फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं, जैसे कि साइनोबैक्टीरिया. तो अब ये ऑर्गेनिज्म के अंदर थाइलेकोइड ऐसे ही साइटोसोल में फ्रीली मूविंग होते हैं जो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर सकते हैं.
So, without well-defined chloroplast, also they can perform photosynthesis. So, these are the main features of prokaryotic cell. In today's class, we have mainly discussed about types of cell, which are prokaryotic cell, which are eukaryotic cell, and we have detailed description about prokaryotic cell. In our next class, we will discuss about the eukaryotic cell. What are the features of eukaryotic cell and how prokaryotic cell and eukaryotic cell are different. If you like the video, hit the like button, share it, subscribe it. Thank you.